तो भाई बात ऐसी है कि होली कहने को तो अभी बहुत दूर है, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में होली चालू हो चुका है धुआंधार वाला। तो इसमें हम कहाँ पीछे रहने वाले, हम भी स्टार्ट कर दिया, तो चलिए देखते हैं। मतलब हमारे यहाँ होली के महीने में साली का भाव सरसों के साग के बराबर हो जाता है। जीजा जी भी रंगेंगे, उनका भाई भी रंगेगा, फिर पड़ोसी भी रंगेगा, फिर पूरा गांव भी रंगेगा। सही बोल रहे हैं। भैया तुम्हारी साली है कि चिड़ियाघर की मालकिन जो तुम इसका कबूतर रंगोगे? अरे पूरा शरीर पड़ा है रंगने को, उसको रंगो, मजे लो। लेकिन नहीं, तुमको तो साली जी का कबूतर ही अच्छा लग रहा है, उसी को रंगोगे। पता नहीं कबूतर रंगोगे कुछ और ही रंगोगे। इनको रंग डालने से जाड़ नहीं लग रहा, इनको लंबा पिचकारी देख के जाड़ लग रहा है। सनी लियोन की पिछड़ी मौसी, उस लंबे पिचकारी से तुम्हारे अंदर रंग डाला जाएगा, तुम्हारे ऊपर रंग डाला जाएगा, ना कि लंबा पिचकारी तुम्हारे अंदर। कंट्रोल बिल्कुल मत डलवाना, एक इंच भी मत डलवाना। कोरोना के नौका वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है, वैसे भी वो तुम्हारा परदेशी बलम हुआ स्पेशली डालने के लिए ही आया है। आई मीन रंग, रंग लाल का हरियर का रंग डालने के लिए। बड़ा हरामी हो बेटा। कहना क्या चाह रहे हो, मतलब उसके पास डालने वाला सिस्टम दिल्ली से चल के आया है स्पेशली डालने के लिए, फिर भी वो तुम ही से डलवाती रहे। समूह वाला खाता खोल लियो कि हर हफ्ता में चाहिए तो चाहिए। अगर बात करें होली की, तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक देवर हमेशा हर होली में डालने के लिए भूखा ही रहता है, रंग। हर होली में मतलब तरसता ही रहता है भौजी लोगों में डालने के लिए। मतलब सैकड़ों होली बीत गई, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का देवर डालने की उसी भूख में अभी भी तड़प रहा है, तरस रहा है। अब कहां से कोनो फिटिंग दे पाएगा जब हमेशा तुम्हारा तुम ही बताओ, जब इतना धुक धुकाओगी तो कौन सा सूरत दर्जी तुमको फिटिंग दे पाएगा? इसका मात्र एक ही उपाय है कि वो उसमें स्प्रिंग की फिटिंग कर दे, फिर धुक धुक करेगा, धुक धुक उसमें स्प्रिंग की फिटिंग कर दे, फिर धुक धुक करेगा, धुक धुक। जुगे जुगे दिया तेरा बताओ कि लाज जूता खात रहो। नहीं, आप भी एक बार गौर से देखो कितना बढ़िया दर्जी है। साला चोली के कपड़े का कलर है लाल और धागा यूज किया जा रहा पीला, तो आप बताओ ये लत्तम जूतम की व्यवस्था है कि नहीं है? हम गधे। और इसी दर्जी को ये भौजी जुग जुग जियत रह का आशीर्वाद दे रही है। ऐसे जो दर्जी होते हैं वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं, भगवान उनको खुद लेने आते हैं कि चल न पगले रुलाएगा क्या, जल्दी चल। और जो दर्जी ऐसा नहीं करते उनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलती है, भगवान लाठी डंडे से मार के भगा देते हैं। भग साले, तुमको जगह भी नहीं मिलेगा नरक में। ना थोड़ा छोटा ना थोड़ा बड़ा, बिना नापी के पेटीकोट सिला गया। तो भौजी एक क्या हो रहा था, नया शॉपिंग मॉल का उद्घाटन हो रहा था कि साइज चेक किया जा रहा था कि कैसा है साइज। अरे झोपड़ी वालों, तुम लोग क्या उसी समझ से टेक मी अंडा किए पड़े हो, एक अंडा नहीं खरीद पा रहे हो? नहीं, मतलब भौजी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही है और ये दोनों बीच बीच में टेक मी अंडा, बाहर में जाओ सालो। भैया हो देखो सुजी को भौजी बड़ा बढ़िया वीडियो बना ली यूट्यूब पे, बड़ी वायरल बड़ी, चल दाब दिल जाओ क्या सब्सक्राइब वाला बटन आ। अच्छा तब ठीक है, आप लोग भी कर लीजिएगा जो ये कर रहे हैं। भौजी के चोली सब्सक्राइब कीजिए। अरे चोली ना रे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे सही बात बोला है, भौजी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वही देखने को मिलेगा जो इसने सब्सक्राइब करने को बोला है। चेहरे पे तो होली का उमंग है, क्या आपके पिचकारी में रंग है? भौजी पूछ रही हो कि डांट रही हो? अरे भीतर का मीडिया जा गया था हमारा। अच्छा कोई बात नहीं, तो भौजी पिचकारी में तो इतना रंग है कि मतलब क्या बताए, एनी टाइम ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब समझ लो तुम अंदर पूरा सैलाब आया हुआ है, बस
कहीं डालने की जरूरत है रंग। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद तो यही है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जो भी करना आपको कर सकते हैं। और हाँ, हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसपे हम अपने वीडियो के प्रमोशन के अलावा कुछ नहीं करते और थोड़ी बहुत रोस्टिंग वहाँ भी करते हैं, तो वहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में होगा या यहीं पे कहीं दिखा रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।